हेलो एंड वेलकम गाइस, अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मैं अभी अभी अपनी बुकिंग पे निकला हूँ और मैं पहली बुकिंग आई है मेरी ऊबर के अंदर, और ऊबर में बुकिंग जो आई है उस कस्टमर को मैं पिक करने आया था। दोस्तों, वो काफ़ी रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, खड्डे खुड्डे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई मेरे को आने में। उसके बाद एक रास्ता कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के लिए मेरे को करीब 300 मीटर का रास्ता दिखा रहा था। उसके बाद मैं रास्ते में आया तो ये देखिए, बिल्कुल ये रोड खुदा पड़ा है और ये पट्टियाँ लगी हुई हैं रास्ता बंद की। और उसके बाद मैंने कस्टमर को अभी कॉल किया, मैंने कहा मैडम आप आ जाइए यहाँ पर, मैं आपकी लोकेशन के पास ही खड़ा हूँ। तो कस्टमर ने बोला कि दरअसल कैब मैंने बुक की है, बट किसी और को आना है वहाँ से जिस जगह पे आप पहुँचे हैं, तो मैं अभी खड़ा हूँ। उन्होंने बोला 1 मिनट का टाइम लगे आने का, तो मैं उनकी लोकेशन पे ही से थोड़ा सा दूर पे खड़ा हूँ। मैंने उनको नेविगेट कर दिया है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब वो कस्टमर आएंगे तो उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी वीडियो आपकी बनेगी आगे दिखाने के लिए दोस्तों, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कस्टमर कैसा था, किस हिसाब से बिहेवियर था और कहाँ पे गया कस्टमर, और रास्ते की जो भी एक्टिविटीज़ अगर मुझे कुछ ऐसे दिखाई देती है तो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पर बने रहें। तो फाइनली गाइस, जैसे कि मैं वहाँ बुकिंग लेने गया हुआ था, उसके बाद मैं करीब वहाँ पे 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद उस क्लाइंट का, कस्टमर का कोई भी रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने वो वाली बुकिंग कैंसिल कर दी। उसके बाद लगभग मेरे को 2 घंटे लगे, मेरे को कोई बुकिंग नहीं मिली। उसके बाद एक भैया की बुकिंग आई 2 घंटे के बाद ओला में। इन भैया को जाना है गुरुग्राम जाना है सेक्टर 17 शायद। तो दोस्तों, मैं आधे रास्ते तो आ चुका हूँ। उसके बाद मैं सीएनजी के पंप पे लाइन में खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए आईजीएल का सीएनजी पंप है, मैं इसी पे खड़ा हूँ। तो गाइज, जैसे कि अभी सीएनजी भरवाएंगे, उसके बाद आपको भैया से इंट्रोड्यूस कराएंगे, और तब तक इस वीडियो पे बने रहिए। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि मैं सीएनजी भरवा रहा था, मेरे को कम 10 मिनट या 12 मिनट लग गए सीएनजी भरवाने में। तो चलिए भैया से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो भैया गाइज, तो भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम है हर्ष। तो भैया आप गुड़गांव में कहाँ पर जा रहे हैं? मैं भी सेक्टर 5 जा रहा हूँ गुड़गांव में। सेक्टर 5 जा रहे हैं? हाँ। तो भैया आप एजुकेशन करते हैं या आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं कौन से स्टैंडर्ड में? मैं अभी MBBS कर रहा हूँ। MBBS कर रहे हैं? हाँ। तो गाइस, जैसे कि भैया MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी की डिग्री कर रहे हैं, तो MBBS भैया कहाँ से कर रहे हैं आप? ये SGT कॉलेज से। SGT कॉलेज। तो इसमें जो MBBS करने के बाद, तो मतलब स्कोप क्या होता है कि इंटरनेशनल भी जा सकते हैं या फिर मतलब आप ये इंडिया में ही, जैसे कि इसके एग्जामिनेशन जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कौन से हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर की नौकरी मिलेगी या क्या है ऐसे? सब इंडिया में तो मार्क्स पे डिपेंड करता है सब कुछ, कि आपकी मार्क्स क्या आई है, फिर आपकी मेरिट बनती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चूज़ कर सकते हो किस चीज़ के डॉक्टर बनना है आपको। डिफरेंट तरह के डॉक्टर बन सकते हो आप। फिर आप अभी तो डिग्री, तो MBBS तो बहुत इनिशियल डिग्री है, उसके बाद भी आप बहुत सारी डिग्रीज ले सकते हो स्पेशलाइजेशन के लिए। बाहर जाने के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, वहाँ पे भी सेम मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होता है सब कुछ। अच्छा, तो जैसे भैया कि आप बता रहे हैं, तो जैसे आप एम्स वगैरह में जो पढ़ाई होती है, एम्स में और सफदरजंग जो उसमें होती है, तो उसमें आपका, आपने एडमिशन उसमें क्यों नहीं लिया? ये हमारे हाथ में नहीं होता कि आप एडमिशन। अच्छा, वो डिपेंड आपके जो लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है ऑटोमेटिक ही कॉलेज मिलता है, किसी को कोई भी मिल सकता है। अच्छा, ठीक। चलिए गाइज, तो फिर चलते हैं, भैया को थोड़ा सा लेट हो रहा है, इनको उनकी लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि भैया का कितना फेयर बना और क्या है। ठीक है, तो आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। तो फाइनली गाइज, हम भैया के लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और मैं भैया को लाया था पश्चिम बिहार से, और पश्चिम बिहार से और गुरुग्राम तक लाने का उनका किराया बना है 405 रुपये। तो चलिए भैया को बाय कर देते हैं और हम नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं अपनी। चलो बाय गाइज, लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू। ओके गाइज, तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से एंड तक, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक, और वंदे मातरम, जय हिंद।